स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांटेशन के बारे में, कि प्लांटेशन क्या होता है, इसके बारे में सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो में हम प्लांटेशन की चीजें को सारी की चीजें समझ पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांटेशन। देखो प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन मतलब एक किसी एक बड़े से लैंड पर आप छोटे छोटे प्लांट्स को उगा डालो, प्लांटेशन कहला देंगे। जैसा प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब जो प्लांटेशन जो है ना, ये जो प्लांटेशन है ये एक तरह से हम बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग का ही एग्जाम्पल है, कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। देन इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो सिंगल क्रॉप जो होती है ना उसको हम एक बड़े लार्ज एरिया में उगाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि जो चाय का जो टी का आपका जो प्लांट जो फील्ड होता है, टी का फील्ड हो गया, कॉफी का फील्ड हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी किस्म आ जाती है, ये प्लांटेशन में आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब जो प्लांटेशन है इसमें क्या है कि आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दो चीजें चलती हैं इसमें, एक तो एग्रीकल्चर तो होता ही है, दूसरा इन सब चीजों को हम इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि प्लांटेशन कवर्स अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, प्लांटेशन में क्या होता है बहुत बड़े बड़े लैंड को वो कवर करता है। यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, अब इसमें क्या है जो इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो वाइल द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, और इसमें क्या होता है कि जो प्लांटेशन में माइग्रेंट लेबर्स जो होती है उसको भी यहाँ पे उनका भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, प्लांटेशन ये होता है। तो अब ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड टू यूज, इसमें से जितना भी प्रोड्यूस जो निकलेगा उसको क्या है एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाएगा किसी भी इंडस्ट्री में। अगर हम देखें तो अब जो चाय की पत्ती जो आएगी, चाय की जो पत्ती आएगी, टी लीव्स जब आएंगी तो उनके उनको क्या है कि एक फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा, वहां पर वहां से उसको चाय पत्ती बना करके, टी बना करके क्या होगा पैकेट्स में उसको बनाओगे, पैकेट्स में उसको सील करोगे, सील करने के बाद फिर उसका मार्केटिंग होगा, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेस है। देन अगर हम इसी में बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं कि अब प्लांटेशन को अगर मैं इंडिया में बात करूं तो प्लांटेशन इंडिया में अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडिया में टी है, कॉफी है, रबर है, सुगर केन है, बनाना है, ये सारी चीजें क्या आती है प्लांटेशन में आती हैं। और द एग्जांपल ऑफ द ये द टी इन असम। अब जो टी है आपकी टी कहाँ, अब जो अगर मैं टी की बात कर लूँ तो टी कहाँ पर होती है, असम में और नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ असम में, और नॉर्थ बंगाल की जो कॉफी है, कर्नाटका जो टी है आपका, सॉरी जो टी है वो असम और नॉर्थ बंगाल में है, और कॉफी जो है वो आपका कर्नाटका में है। ये कुछ एग्जांपल हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के आपके जो दीज स्टेट्स में। सिंस प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, इसमें क्या कि जो प्रोडक्शन जो होता है ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो हम देखें तो वो मार्केट के लिए होता है, इसलिए क्या होता है एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। अब प्लांटेशन के डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें, कि देखिए अब इसमें क्या है कि एक वेल डेवलप्ड जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उसका, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होता है प्लांटेशन एरियाज के बीच में जो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि अब वो इंडस्ट्रीज जो कि यहाँ अब ये जो जैसे सुगर केन है हमारा, सुगर केन को हम क्या है गन्ने की मिल में लेके नहीं जाएंगे, जब तक मिल नहीं लेके जाएंगे मिल क्या है अब मिल क्या करेगा उससे चीनी बनाए या कुछ भी बनाए वो उससे, तो ये जो इंडस्ट्री मिल जो मिल का काम क्या कर रहा है वो प्रोसेस कर रहा है उसको, अब गन्ने को लेकर वो प्रोसेस करके उसमें से एक आउटपुट निकाल के दे रहा है लोगों को, कि ये तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फिर मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, अब इसमें मार्केट भी एक रोल प्ले कर इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, अब चीनी बना तो दी गन्ने से, अब मार्केट उसको ले ना या फिर मार्केट में वो बिके ना तो फिर क्या फायदा है उसका, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे प्लांटेशन जो था हमारा यहीं तक था। देन उसके बाद अगर हम बात अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉपिंग पैटर्न। ओके हम नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉपिंग पैटर्न, ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है।
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो जैसी भी मिली लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई भी गलती आपको लगती हो तो आप मुझे जरूर बताएं कि इसमें यहाँ पर इसको या फिर ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए, तो अब और आपने जो सबसे बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है वो है सब्सक्राइब का बटन, वो नहीं दबाया तो सब कुछ बेकार है। आप उसको दबा लो, अगर आपने नहीं दबाया लाइक कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी आसानी से चीजों को एक एक टॉपिक धीरे धीरे समझते चले। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।